अनुष्का सेन के नखरों से परेशान हुए प्रोड्यूसर्स, अपना टाइम भी आएगा शो से किया बाहर और लगाए कई आरोप। अब अनुष्का सेन का आया ऐसा बयान। हाल ही में शुरू हुए टीवी शो अपना टाइम आएगा में लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस अनुष्का सेन को मेकर्स ने रिप्लेस कर दिया, उन पर कई आरोप भी लगाए। मेकर्स ने अनुष्का सेन की जगह मेघा रे को साइन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का सेन शो की शुरुआत से ही नखरे दिखा रही थी और अपने हिसाब से कहानी बदल देती थी। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रोड्यूसर वेदराज ने बताया कि 18 एपिसोड के बाद शो की लीड एक्ट्रेस को बदलना काफी मुश्किल फैसला था, लेकिन जब अनुष्का सेन शूट के लिए सेट पर नहीं पहुंची तो मजबूरन उन्हें रिप्लेस करने का फैसला लिया गया। अनुष्का सेन के रिप्लेसमेंट की खबर कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी। जब अनुष्का ने ऐसी खबरें देखी तो वो इस कदर दुखी हुई कि 5 दिनों तक सेट पर नहीं पहुंची। वेदराज ने आगे कहा कि वो अनुष्का सेन के नखरे झेल भी लेते अगर उससे शो पर फर्क न पड़ता, लेकिन सेट पर शूट के लिए ना आना वाकई अनप्रोफेशनल था और मजबूरन हमें फैसला लेना पड़ा। अब इस पर अनुष्का सेन का भी बयान आया है। जब अनुष्का सेन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को मेल कर दिया था। वो बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि 28 अक्टूबर को शूट के दौरान ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सेट पर एक डॉक्टर भी बुलाया गया था, उन्होंने मुझे 10 दिन आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन शो की डिमांड के चलते मुझे 2 दिन के बाद ही शूट पर लौटना पड़ा। अनुष्का ने आगे कहा, मुझे बहुत ही सर्दी खांसी और कमजोरी भी है, सेट पर कई और लोग भी बीमार हैं, लेकिन मेरी फैमिली मेरी सेहत को लेकर चिंता में थी। मैंने कोरोना टेस्ट भी करवाया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन हर दिन मेरी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। मैं या मेरी फैमिली कोई भी चांस लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने शो छोड़ने का फैसला किया। मैंने प्रोड्यूसर से कह दिया था कि मैं तब तक उनके साथ शूट करूंगी जब तक उन्हें मेरा रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। मैं 9 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ी हूँ। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।